हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत अपना टॉपिक चल रहा था सहसंबंध, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है इसके बारे में जाना था। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं सहसंबंध। इसके अंतर्गत हम जानेंगे अर्थशास्त्र और वाणिज्य, यानी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल, इसमें क्या संबंध है आपस में। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र और वाणिज्य, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इनमें क्या कोरिलेशन है, तो आज हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वाणिज्य क्या है, वाणिज्य बिजनेसमैन से संबंध, बिजनेस है जो व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, एक व्यक्ति द्वारा या एक संस्था द्वारा, समूह द्वारा जो क्या कार्य किया जाता है वो वाणिज्य व्यापार, यानी किसमें लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। मगर अब ये अर्थशास्त्र से संबंधित कैसे है, इसके अंतर्गत हमें ये जानना होगा। देखो कि हमें काम प्रॉफिट, बिजनेसमैन क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, लाभ के उद्देश्य से वो वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, अपनी प्रोडक्शन का सेल करता है और लाभ कमाता है। मगर उसे ये चीज़ कब होगी, वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कब कमा सकेगा, अपने बिजनेस को बेहतर स्थिति में कब ला सकेगा, है ना, वो अपनी गुडविल को बेहतर कब बना सकेगा, जब उसे अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, वो अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों का भी अध्ययन करेगा, जिसके अंतर्गत अगर वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी उसके अंदर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानेगा, उपभोक्ताओं की रुचिगत वस्तु का उत्पादन अधिक करेगा, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रोडक्शन कॉस्ट को किस तरह कम किया जा सकता है, प्रोडक्शन लागत को कम करना, ये सारी किस में आ जाता है, इसका उसे अध्ययन करने के लिए, इस सभी चीज़ों का नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसे इस सभी का ज्ञान होने के लिए उसे किसका होना, किसका ज्ञान आवश्यक है, अर्थशास्त्र का, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो अपने बिजनेस को बेहतर बना सकता है। तो इसमें आज हम यही जान रहे हैं कि अर्थशास्त्र और वाणिज्य, जिसके अंदर आपको समझ में आई होगा कि जिसके अंतर्गत हमें वाणिज्य बिजनेस करने से पहले हमें अर्थशास्त्र का भी जानना होगा कि हमें वस्तु किस तरह का प्रोडक्शन किया जाए कि वो ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में हमारी सेल और गुडविल बढ़े और हम प्रॉफिट कमा सकें। मगर किसके अवेज़ में, यानी उपभोक्ता को संतुष्ट, ठीक है, उपभोक्ता को संतुष्ट करकर हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट अधिक तक करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है अर्थशास्त्र और वाणिज्य के संबंध में संबंध, ठीक है। तो अब मैं आपको अभी मैंने आपको एग्जांपल द्वारा समझाया, अब आपको थोरेटिकल लिख देते हैं इसके अंदर का किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे। तो वाणिज्य वाणिज्य के अंतर्गत वाणिज्य शास्त्र में उद्योग कौन कौन से, उद्योग और व्यापार तथा संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वाणिज्य के क्षेत्र इसके अंतर्गत सारी आ जाता है, अर्थशास्त्र भी इसमें सम्मिलित रहता है, यानी कैसा इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, एक व्यक्ति का भी और एक समूह संगठन वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सी आ जाती, उत्पादक से लेकर वितरण, उत्पादक से लेकर वितरण, उत्पादक प्रोडक्शन तो बिजनेसमैन से, और वितरण उसका किस तरह करना, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो उत्पादक से लेकर वितरण तक की समस्त क्रियाएं
और उन क्रियाओं से संबंधित व्यक्ति एफ संस्थाओं की कार्य प्रणाली भी आती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार दोनों ही शास्त्र एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित। ठीक है, यानी जिसके अंदर क्या है, यानी हमने पहले घनिष्ठ रूप से संबंधित यानी किसके अंदर, हमने एग्जांपल के द्वारा जाना है, जैसे किसी बिजनेसमैन को वो अपना प्रोडक्शन करना चाह रहा है तो वो उसको क्या करेगा, पहले उसे अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होगा, उस अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा, उपभोक्ताओं की आवश्यकता रुचि को भी जानेगा, तो उसके अनुसार ही वो उस वस्तु का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, अपनी प्रोडक्शन लागत कॉस्ट को भी कम करेगा और बेहतर से बेहतर वस्तु का उत्पादन कर अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर वो कैसा होगा, वो प्रॉफिट की स्थिति में आएगा यानी वाणिज्य के अंतर्गत। तो यानी ये शास्त्र ये कैसे दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, जिसके अंतर्गत उसे वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों को सम्मिलित, इसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्र क्या कर सकते हैं, वह अपने राष्ट्र की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक पोजीशन आर्थिक स्थिति से छात्र छात्र परिचित होंगे। ठीक है, किसके द्वारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्र के अंदर अपने देश की राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को परिचित होंगे, आर्थिक स्थिति को समझ सकेंगे, वाणिज्य शास्त्र से संबंध स्थापित कर सकेंगे। ठीक है ना, तो उन्हें कैसा कब कर सकेंगे कि वो इन दोनों विषयों का अध्ययन करेंगे, तो छात्र कैसा होगा,
करने का, तो वो आर्थिक स्थिति को समझेंगे और वाणिज्य को भी समझेंगे और वो उन दोनों के बीच क्या कर सकेंगे, संबंध स्थापित कर सकेंगे, और किन किन कौन कौन से टॉपिक है जिनके अंतर्गत ऐसे कौन से विषय वस्तु है जो अर्थशास्त्र और वाणिज्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यापार, उद्योग, विकास, व्यापारिक संगठन, साख तथा साख पत्र, फिर आ जाता है अपने रेशम का नियम। आदि में अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य में सह संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है पूरा अर्थशास्त्र और वाणिज्य के अंतर्गत संबंध, जिसमें हमने ऐसे और एग्जांपल के द्वारा लिखे हैं कि व्यापार, उद्योग के विकास, व्यापारिक संगठन की व्यवस्था, साख और साख पत्र क्या है, ठीक है, रेशम का नियम, तो आदि ऐसे टॉपिक हैं जो अर्थशास्त्र और वाणिज्य इन दोनों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये कैसे हो गए, ये अर्थशास्त्र और वाणिज्य दोनों इनमें के बीच संबंध कौन सा है, सह संबंध स्थापित होता है, जिसका अंतर्गत वाणिज्य का अध्ययन करते समय हमें उसका ज्ञान किससे होगा, अर्थशास्त्र से होगा। ठीक है, हम पढ़ तो रहे वाणिज्य है तो हमें अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होगा, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर इनका उपयोग वास्तव में इनका उपयोग किस तरह होता है, तो हमें वाणिज्य का भी ज्ञान होगा। ठीक है, तो हमें एक विषय के साथ दूसरे विषय का ज्ञान भी प्राप्त होता है, यह सहसंबंध बताता है। तो आज हमने जाना सहसंबंध जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल के बीच, तो आज आप कैसे संबंधित होमवर्क है घर का भी क्वेश्चन। ठीक, संबंध का अर्थ बताते हुए अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, आपको सह संबंध का बताते हुए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो आपको प्रदर्शित करना है, इसका एक्सप्लेन करना। तो ये था आपका टॉपिक जिसके अंदर आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अंत में स्टूडेंट कि देश में कोविड की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें। ओके, धन्यवाद।